बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस? ठीक है, तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। क्या जब टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल में तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, जब भी टी आई एस आ जाए एंड में तो हम ज्यादातर कहते हैं कि ये क्या है? इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस कितने टाइप्स हैं? ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। कैथेट्रल टॉन्सिलाइटिस, फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस एंड पेरेन्काइमल टॉन्सिलाइटिस। ये हमारे साथ जो है टॉन्सिलाइटिस की जो है वो फोर टाइप्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन टॉन्सिलाइटिस मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। हमारे साथ जो है क्या है टॉन्सिलाइटिस जो है एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है। ठीक है, ड्यू विद द अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्रॉनिक होता है। ठीक है, काजेस क्या है टॉन्सिलाइटिस का? हमारे साथ जो है काजेस एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है और सेकंड हमारे साथ न्यूमोकोकस है और एच इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, ये हमारे साथ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का टाइप्स है। एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है एंड एक जो है हमारे साथ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का जो टाइप्स सॉरी काजेस है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोकोकस है एंड एच इन्फ्लुएंजा है। जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है हमारे साथ उसके टाइप हमारे साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई है एंड ग्राम पॉजिटिव भी है हमारे साथ। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक्यूट हो गया और ये हमारे साथ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का काज है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या होगा इस टॉन्सिलाइटिस का? जो है हमारे साथ क्लिनिकल फीचर क्या होगा, साइन सिम्टम क्या होगा, अलामत क्या होगा? ठीक है, जरूरी बात है कि पेशेंट का क्या होगा? सोर थ्रोट होगा। ठीक है, सोर थ्रोट होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग एंड आल्सो इन रेस्पिरेशन। ठीक है, स्वॉलिंग में क्या होगा? तकलीफ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो जो चाय या पानी भी वो करता है पीता है तो इसमें भी तकलीफ होता है, खुराक में तो ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग इन रेस्पिरेशन होगा, फीवर होगा, ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन में जरूरी बात है कि फीवर होता है। ठीक है, पेन होगा एंड रेडनेस होगा, पेन भी होगा, फीवर भी होगा एंड रेडनेस भी होगा। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो अंदर जो है क्या होगा? टॉन्सिल जो है इन्फ्लेम होगा, स्वेलिंग होगा, रेड होगा और साथ में पेशेंट को क्या होगा? फीवर भी होगा। ये हमारे साथ क्या है? क्लिनिकल फीचर है टॉन्सिलाइटिस का। इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ जो मेन इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन से पहले हमारे साथ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है टॉन्सिलाइटिस में। एएनटी एग्जामिनेशन करना है मरीज का अंदर। ठीक है, एग्जामिनेशन से पता चलता है कि हाँ ये क्या है? टॉन्सिलाइटिस है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे साथ सीबीसी भी आप कर सकते हो, टीएलसी देखते हो, टीएलसी के लिए आप सीबीसी करो और साथ में जो है थ्रोट स्वाब जो है फॉर सीएस कल्चर सेंसिटिविटी आप करो। ठीक है, थ्रोट जो है स्वाब करना है आप लोगों ने। ये दो टेस्ट है, बाकी जो है एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग एग्जामिनेशन करें। हमारे जो डायग्नोसिस है टॉन्सिलाइटिस का वो थ्रू एग्जामिनेशन है। ठीक है, आगे हमारे साथ ट्रीटमेंट क्या है टॉन्सिलाइटिस का? हमारे साथ एंटीबायोटिक थेरेपी है स्टार्ट में, एनाल्जेसिक देना है और एंटीहिस्टामिन देना है। ठीक है, और सॉफ्ट डाइटिंग देना है, सॉफ्ट डाइट देना है। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीहिस्टामिन, पेनकिलर, एनाल्जेसिक इस तरह ये देना है और सॉफ्ट डाइट देना है। ठीक है, साथ में जो है जब बार बार रिकरेंट जो इन्फेक्शन होता है बार बार, तो आप लोगों ने फिर एंड में जो है क्या करना है? टॉन्सिलेक्टोमी करना है, ऑपरेशन करना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने एंड में जो है जब एक पेशेंट बार बार जो है क्या होता है रिकरेंट इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल में, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? टॉन्सिलेक्टोमी करना है, ऑपरेशन करना है। ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। ठीक है, ऑपरेशन करना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है टॉन्सिलाइटिस का? अगर आप लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया प्रॉपर जो है टाइम पे, इलाज नहीं किया, तो फिर क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, पेरोटू सेलुलर एब्सेस, आप लोगों के साथ क्या होता है? पेरोटू सेलुलर एब्सेस होता है पेरिस में। ठीक है, अगर आप लोगों ने टाइम पे मैनेजमेंट नहीं किया, नेक एब्सेस होता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर टाइम पे इलाज नहीं किया तो नेक एब्सेस भी हो सकता है, रोमेटिक फीवर भी हो सकता है। ठीक है, क्या? रोमेटिक फीवर एंड एंडोकार्डाइटिस, ये हमारे साथ क्या है? हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर एक पेशेंट आप लोगों के क्लिनिक में आ जाए और ये हिस्ट्री दे
डॉक्टर साहब हमारा बार बार जो है कहता है ये टॉन्सिलाइटिस होता है, मैं बार बार मैंने एंटीबायोटिक लिया है, तो फिर आप लोगों ने ये ओपिनियन देना है, ये मशवरा देना है कि आप लोग क्या करें, टॉन्सिलेक्टोमी करो, ऑपरेशन करना है, ठीक है। बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है, ठीक है। बार बार इन्फेक्शन की वजह से, या फॉर एग्जाम्पल बाज लोग टाइम पे वो इलाज ना करें तो खुदा ना खास्ता ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो ये हमारे साथ पूरा के पूरा क्या हो गया, टॉन्सिलाइटिस, और फिर जो है इसका काजेज, फिर इसका क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, और एंड में इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू, थैंक यू सर वेरी मच।